हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको आज लड्डू गोपाल के लिए नेप्पी बताना बताएंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने एक कलर लिया है और ये मैंने 11 नंबर सिलाई ली हुई है। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं निडल से नेप्पी बनाना बताऊँ, तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से मैं लड्डू गोपाल के लिए नेप्पी बताना बताऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 16 फंदे डाल लिए हैं, मैंने सिंपल ही फंदे डाले हुए हैं ये देखिए। और ये हम ये 4 से 3 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। तो देखिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल की नेपी आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे। यहाँ पर मैंने 16 फंदे डाल लिए हैं और ये 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल को आराम से आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले हम एक सिलाई उल्टी उल्टी इस तरह से बना लेंगे। आप इन फंदों को सीधा भी बना सकते हैं और उल्टा भी, जिस तरह से आपको, और आप मैचिंग के साथ की भी बना सकते हैं। जो भी आपको मैचिंग की ड्रेस बनानी है उसके साथ की आप नेपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कलर में आपको ड्रेस भी अपलोड करने वाली हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसी कलर से, वाइट कलर से भी आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने उल्टी सिलाई को भी उल्टा ही बनाना है, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदे डाल के एक सिलाई बना ली है। इसके बाद ये देखिए, हम पहला फंदा उतार के धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे हम आप डोरी डालने के लिए यहाँ पे ये डोरी भी डाल सकते हैं और आप कुछ भी इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ और 2 फंदों का, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले फंदे को उतार लिया है ये देखिए, और धागा अपनी तरफ है और यहाँ पे जाली डालते हुए 2 फंदों का एक करना है, ये देखिए इस तरह से। और एक फंदा हमने सीधा बनाना है, फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर हमने 2 का एक बनाना है, ये देखिए। हमने 2 वापसी फंदे लाने हैं, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए धागा, एक फंदा हम सीधा बनाते हैं, फिर धागा अपनी तरफ, और यहाँ पे ये देखिए 2 फंदे हम इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पे ये देखिए 2 फंदे ही वापस ले आएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे बनाए जाली डालते हुए इस तरह से, और एक फंदा सीधा। अब ये लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं, ये देखिए एक फंदा सीधा बना लिया है, तो ये 2 फंदे भी हम सीधे ही बना के कंप्लीट करेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे, तो उल्टी सिलाई को बना लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जाली बना ली है, बराबर फंदे हैं हमारे पास, इतनी 16 ही फंदे हैं। अब इसके बाद हम पहला फंदा उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करके हम उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे इस तरह से। आप इसमें सीधी सिलाइयाँ भी बना सकते हैं, जिस तरह से भी आपको बनाना है। मैं उल्टी सिलाइयाँ डाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैं उल्टी सिलाइयाँ एक बना चुकी हूँ, 2 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पे एक सिलाई उल्टी बना चुके हैं, दूसरी सिलाई हम बना रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी, ये देखिए। एक सिलाई हमने उल्टी बनाई थी, एक पे हमने ये जाली बनाई है, और तीसरी सिलाई उल्टी, फिर चौथी भी हम उल्टी ही बना रहे हैं।
तो यहाँ पे ये बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए उल्टी सिलाई को भी बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पे ये चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चार सिलाइयाँ हमने उल्टी बना ली हैं। एक सिलाई हमने फंदे डाल के सीधी बनाए, सॉरी उल्टी बनाई है, फिर सीधी सिलाई पे हमने ये जाली डाली है, इसके बाद हमने दो सिलाइयाँ उल्टी बना ली हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम फंदे कम करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने एक फंदा कम किया, बाकी के फंदे हम धागा अपनी तरफ करके उल्टे ही बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हम पांचवी सिलाई आपको बता रहे हैं। इस साइड हम सभी फंदों को बनाएंगे। जब हमने उल्टी सिलाई पे आना है तो उल्टी सिलाई पे हम यहाँ पे ये देखिए फिर से फंदा कम करेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा कम करते हुए जाएंगे आप। बिल्कुल आसान है ये। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे मैं हर सिलाई पे फंदा घटाऊंगी। ये देखिए फिर से मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए फिर से हम एक फंदा कम किए, तो यहाँ पे दो फंदे कम हो चुके हैं। इसके बाद हम उल्टी सिलाई पे जो उल्टी तरफ से आएंगे फिर से हमने फंदा कम करना है। ये देखिए तो यहाँ पे भी ये देखिए उल्टी तरफ से भी दूसरा फंदा हम कम कर रहे हैं। ये देखिए तो मैं यहाँ पे फंदे कम कर लेती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैं सीधी तरफ से इसमें चार फंदे कम कर चुकी हूँ और इधर से भी मैं चार फंदे कम कर चुकी हूँ। ये देखिए ये देखिए इस तरह से, तो दोनों साइड से हमने चार चार फंदे कम कर लिए हैं। फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ से चार चार फंदे कम कर लिए हैं और ये देखिए 1 2 3 4 चार सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं। इसके बाद हम ये आठ फंदे हमारे पास अभी बाकी हैं, इसके बाद हम ये दो सिलाइयाँ इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे। इनको इनमें हमने फंदा नहीं घटाना है। आठ फंदों की मैं दो सिलाइयाँ बना लेती हूँ यहाँ पे। ये देखिए एक सिलाई बना चुके हैं, उल्टी साइड से भी बना लेते हैं और एक सीधी सिलाई बना लेते हैं। ये देखिए फंदे घटाने के बाद देखिए यहाँ पे ये उल्टी सिलाई हो चुकी है, तो यहाँ पे चार सिलाइयाँ सॉरी चार फंदे घटाने के बाद दोनों तरफ चार फंदे इधर घटाए हैं और चार फंदे इधर, और फंदे घटाने के बाद हमने दो सिलाइयाँ ये इसी तरह से बना ली हैं। ये देखिए आठ फंदे हमने ये इसी तरह से बना लिए हैं। ये देखिए उल्टी सिलाई को बना लेते हैं। अब जिस तरह से हमने ये आठ फंदे घटाए हैं उसी तरह हम दोनों तरफ चार चार फंदे बढ़ाएंगे। अब दो सिलाइयाँ बनाने के बाद तो यहाँ पे आठ फंदों की ये दो सिलाइयाँ हम बना चुके हैं। ये देखिए इसके बाद हमने ये देखिए फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए जिस तरह से घटाए हैं उसी तरह हम एक फंदा हम बढ़ा चुके हैं, सारे फंदे इसी तरह से बनाएंगे। और ये देखिए अब ये हमने पूरी सिलाई बना ली है, एक फंदा यहाँ बढ़ा लिया है। इसके बाद हम उल्टी सिलाई पे यहाँ पे इसी तरह से ये देखिए फंदा बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे दो फंदे ये देखिए दोनों तरफ एक एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। जिस तरह से चार फंदे कम की सॉरी आठ फंदे कम किए हैं, चार इधर बढ़ाएंगे और चार फंदे ही हमने इधर बढ़ाने। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से एक फंदा बनाया, पीछे धागा किया, दूसरा फंदा बढ़ाया, ये देखिए इस तरह से। तो ये सीधी सिलाई पे दो फंदे हम बढ़ा चुके हैं,
उल्टी साइड में हमने उल्टी तरफ से बढ़ाना है और सीधी सिलाई पे सीधी तरफ से बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे उल्टी सिलाई पे हूँ, तो इधर ये देखिए इस तरह से, तो दो चार फंदे बढ़ चुके हैं दोनों तरफ, दो दो फंदे, तो दो फंदे और बढ़ा लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पे आठ फंदे बढ़ा चुके हैं। अब ये देखिए आठ फंदे बढ़ाने के बाद हमने दो सिलाइयाँ इसी तरह से बनानी है जिस तरह से मैंने ये बनाई हुई हैं, एक दो चार सिलाइयों पे जिस तरह से घटाए थे उसी तरह बढ़ा लिए हैं। अब दो सिलाइयाँ हम 16 फंदों की इसी तरह से बना लेंगे, छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। ये देखिए अगली वीडियो में मैं आपको जीरो नंबर कान्हा जी के लिए भी बताने वाली हूँ। ये देखिए तो यहाँ पे दो सिलाइयाँ बना लेते हैं, तो दो सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आठ फंदे बढ़ा के दो सिलाइयाँ बना लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दो सिलाइयाँ बना ली हैं, इसके बाद हम यही जाली डालेंगे। ये देखिए यही जाली डालेंगे जिस तरह से हमने, ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतारा धागा अपनी तरफ, ये देखिए इस तरह से जो जाली हम फंदा डालते हुए बनाए थे उसी तरह से, ये देखिए एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, दो का एक बना रहे हैं और दो ही हमारे वापस आ जाते हैं। ये देखिए एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, तो देखिए जाली डालते हुए दो फंदे वापस आ जाते हैं और दो ही फंदे हम एक साथ बना रहे हैं। ये देखिए ये देखिए धागा अपनी तरफ, ये देखिए इस तरह से। अब ये लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेते हैं। अब ये देखिए हमने जाली डाल दी है और हम उल्टी सिलाई पे से सभी फंदों को जाली डालते हुए बंद कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से एक घटाया, थोड़ा सा हमने टाइट घटाना है। ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को यहाँ पे घटा देती हूँ उल्टी तरफ से। तो चलिए यहाँ पे फंदे सारे घटा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी फंदे घटा लिए हैं और ये हमारी नेप्पी बनके कंप्लीट है। अब ये देखिए आप इसमें यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ तक जहाँ से हमने दो सिलाइयाँ बनाई हुई हैं, यहाँ से आप सिलाई भी कर सकते हैं और आप इसमें ये देखिए चिट बटन भी आप लगा सकते हैं इस तरह का, ये देखिए तो ये खुलने में आसानी होती है इस तरह से। और जहाँ पे हमने जाली डाली हुई है वहाँ पे आप प्लास्टिक भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत ढीला भी है। ये देखिए जहाँ पे मैंने ये दो सिलाइयाँ बनाई हैं वहीं तक हमने इस तरह से ये सिलना है। अगर आपने सिलाई करनी है नहीं तो आप इसमें यहाँ पे ये देखिए चिट बटन भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए अच्छे से हमने दोनों तरफ से सिल लिया है और अच्छे से हमारी नेपी बनके कंप्लीट है। ये देखिए और इसे आप ये देखिए हर ड्रेस के साथ इसको आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ये वाइट कलर में भी बनाई हुई है। ये देखिए जितने फंदे मैंने इसमें डाले हैं उसी तरह से इसमें भी हमने उतने ही फंदे डाले हुए हैं। ये देखिए वाइट कलर की सभी कलर में आप बना सकते हैं इसको। और देखिए अगर आपने नहीं भी सिलाई करनी है तो ये टिच बटन आप लगा सकते हैं दोनों तरफ। ये देखिए तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं और बनाने में बिल्कुल आसान है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल की नेपी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।